आरसीबीसी को जानकारी आ गई है, इस वक्त की बड़ी जानकारी से आपको मुखातिब करा देते हैं। पंचायतों के फिर से परिसीमन पर भी सियासत होने लगी है, ये जानकारी भोपाल से, जहां बीजेपी का विपक्ष पर हमला और क्या कुछ अपने हमले में उन्होंने कहा है। यहां बता दें कि फिर से परिसीमन पर कांग्रेस ने सवाल उठाए, जिस पर अब बीजेपी ने पलटवार किया है। और यहां बता दें कि बीजेपी का विपक्ष पर पलटवार, क्योंकि लगातार जो कांग्रेस है वो परिसीमन को लेकर सवाल उठा रही थी, पंचायतों के फिर से परिसीमन पर सियासत भी होने लगी, अलग अलग बयान निकलकर सामने आने लगे, जैसे कि जेपी धनोपिया का बयान भी अभी हमने आपको सुनाया। फिर से परिसीमन पर कांग्रेस ने सवाल उठा दिए हैं, लेकिन इन सवालों का उत्तर भी देते हुए बीजेपी नजर आए, पलटवार करते हुए नजर आए। तो बीजेपी का विपक्ष पर हमला, एक बार फिर से आपको अपडेट दे दे, भोपाल से जानकारी आ रही है, पंचायतों के फिर से परिसीमन पर अब सियासत होने लगी है। जहां कांग्रेस दृष्टि भ्रम का शिकार है, मति भ्रम का शिकार है, बौद्धिक दिवालियेपन का ही प्रमाण है। परिसीमन और आरक्षण पंचायती राज के चुनाव में सरकार का दायित्व होता है, और जब 4 नवंबर 2021 का अध्यादेश रद्द करने के बाद जब चुनाव प्रक्रिया जब रद्द है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण मिले और कांग्रेस इसका विरोध कर रही थी, तो जब वो परिसीमन और आरक्षण का अध्यादेश रद्द हो गया तो नवीन अध्यादेश आना आवश्यक है। इसीलिए धारा 10 का के तहत एक नवीन अध्यादेश है, जिसमें परिसीमन आरक्षण के उपरांत 18 की माह की अवधि में चुनाव कराना पड़ेगा। तब कांग्रेस को ये भी समझ में नहीं आ पाता तो फिर उसको कौन समझा सकता है? जनता समझाई, कांग्रेस पार्टी को बराबर समझा रही 2014 से लेकर अब तक, आगे भी समझाएगी। देखिए, देश भर में कपड़े पर, रेडीमेड गारमेंट्स पर जो 5% जीएसटी था, बढ़ाकर उसको 12% करने का प्रस्ताव जीएसटी काउंसिल ने रखा था, पर देश भर में व्यापक विमर्श के बाद और बहुत सारे वर्गों का इस मामले से असहमति के बाद आज जीएसटी काउंसिल ने व्यापारी वर्ग के हित में फैसला लिया है, और जो कपड़े का जीएसटी 5% से बढ़ाकर 12% के उसको 5% यथावत रखा गया है। तो मुझे लगता है कि ये जीएसटी काउंसिल का एक बहुत अच्छा निर्णय है, जो व्यापार को, व्यापारियों को, राम जनता सबको राहत देगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। जिस तरह से अब लगातार बयान आ रहे हैं, जहां एक तरफ विपक्ष घेर रहा है, परिसीमन को मुद्दा बना रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी अपना जवाब देती हुई नजर आ रही है कि भाई पहले वाला रद्द हुआ इसीलिए नए की जरूरत थी ही। जी, क्या जानकारी है आपके पास ब्रजेश? बिल्कुल बिल्कुल दीक्षिका, देखिए यहाँ पर परिसीमन को लेकर लगातार सियासत जारी है। एक बार फिर नए नोटिफिकेशन जो सरकार ने जारी किया है उसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने हैं। दोनों एक दूसरे पर पंचायत को रोकने, टालने और परिसीमन पुराना जो था उसको रद्द कराने के आरोप लगा रहे हैं। दोनों इसके लिए एक दूसरे को दोषी ठहराते हुए नजर आ रहे हैं दीपशिखा। लेकिन इसी बीच पंचायत चुनाव में बड़ा अपडेट यह है कि अब पंचायत चुनाव जो है 6 से 10 महीने तक टल सकते हैं, क्योंकि नई मतदाता सूची का अपडेशन होगा, इसके बाद जनसंख्या के आधार पर नया परिसीमन होगा, उसके बाद नया आरक्षण होगा और उसके बाद चुनाव होंगे। यानी इन तमाम प्रक्रियाओं में अब वक्त लग सकता है, और ये वक्त लगेगा तो लोग जो ग्रामीण स्तर पर तीनों पंचायत के जो प्रतिनिधि थे, जो फॉर्म जमा कर चुके थे, पंचायत चुनाव की पूरी तैयारियां कर चुके थे, उनमें गुस्सा होगा, ग्रामीण क्षेत्र की जनता में गुस्सा होगा, और वजह यही है कि उस गुस्से को कहीं खुद के पाले में ना आ जाए, इसके लिए दोनों ही दल जो है वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप इस पूरे मामले को लेकर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ब्रजेश, और कांग्रेस का ये भी आरोप है कि इस तरह से अध्यादेश जारी कर नया परिसीमन लाकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है, किस तरह से विपक्ष के इस आरोप को ले? बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में जो पंचायत चुनाव कराए जाने थे उसमें कि जब मध्य प्रदेश में 2019 में कमलनाथ की सरकार थी, उन्होंने नए परिसीमन और नए आरक्षण जो नियम अनुसार थे वो किए थे। इसके बाद शिवराज सरकार जब आई, मध्य प्रदेश में सत्ता पलट हुआ, इसके बाद बीजेपी सरकार ने अपने हिसाब से चुनाव कराने चाहे, और यही वजह थी कि 2014 का परिसीमन और आरक्षण यथावत रखा गया था, जिसके खिलाफ कोर्ट में याचिकाएं लगी और तमाम कानूनी पचड़ों में ये पूरा मुद्दा फंसते हुए आखिरकार पूरे चुनाव
प्रतिक्रिया को निरस्त करना पड़ा और यही वजह है कि अब दोनों ही दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस की बात में दम जरूर लगता है क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि जब पहले से नियम था तो नए नोटिफिकेशन की आवश्यकता क्या थी, सीधे नए परिसीमन या आरक्षण भी सरकार जो है मध्यप्रदेश की वो कर सकती थी। तो जो नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसको लेकर लगातार अब हमलावर विपक्ष हो रहा है। बिल्कुल, जिस तरह से दोनों तरफ से जवाब आ रहे हैं कह सकते हैं कि परिसीमन को लेकर अब सियासत भी तेज हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए अब परिसीमन को लेकर सियासत है क्योंकि जब भी परिसीमन किया जाता है तो गांव को या एक वार्ड को उस हिसाब से बांटा जाता है जहां पर बीजेपी सपोर्टेड जो जनता है वो एक पाले में आ जाए और इसीलिए तमाम जो दल हैं वो अपने अपने हिसाब से आरक्षण और परिसीमन करना चाहते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा उनके समर्थक जीत कर जो है वो सत्ता संभालें, स्थानीय पंचायत जो है वो संभालें और यही वजह है कि लगातार परिसीमन और आरक्षण दोनों ही मुद्दे को लेकर सियासत मध्य प्रदेश में जारी है। दोनों ही दल अपने अपने तरीके से चुनाव कराने पर अड़े हुए थे और यही वजह थी कि पूरा मामला कानूनी पछड़ों में पड़ता हुआ। अब परिसीमन जो थे वो भी रद्द हो गए हैं, पुराने आरक्षण थे वो भी रद्द हो गए हैं, 2019 के जो आरक्षण थे वो भी सरकार ने रद्द कर दिए हैं और इसलिए अब नए सिरे से पूरी व्यवस्था की जाएगी और इसमें लंबा वक्त लगेगा और इसलिए दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ब्रजेश, एक तरफ परिसीमन को लेकर अध्यादेश जारी हुए, दूसरी तरफ इसको लेकर सियासत होने लगी, लेकिन जब जो सत्ता पक्ष है बीजेपी के जो नेता है वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि जनता 2014 से यहां तक लाई है तो आगे भी ले जाएगी, काफी कॉन्फिडेंस में है बीजेपी। बिल्कुल, बीजेपी कॉन्फिडेंस में इसलिए भी है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी चाहती है कि अब जब चुनाव रद्द हो ही गए हैं तो कहीं ना कहीं चुनाव को फिलहाल टाला जाए। जो स्थानीय स्तर पर जो जो पंचायतें हैं उनका गुस्सा है क्योंकि अब जो आचार संहिता पंचायतों में लागू हुई थी उसके बाद सरपंचों के कार्यकाल समाप्त हो गए हैं और पंचायतों का जो काम है वो सरकार को अपने हिसाब से चलाना है, उसके लिए जो है प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे, वो इस पूरे कामकाज को पंचायत सचिवों के साथ मिलकर देखेंगे और जब भी आरक्षण की प्रक्रिया होगी तो कहीं ना कहीं बीजेपी ये ध्यान रखेगी कि आरक्षण प्रक्रिया उसके हित में हो और यही वजह है कि बीजेपी फिलहाल इस पूरे मामले से पहले जो ओबीसी का मुद्दा था उससे पशुपेश में थी लेकिन अब नए आरक्षण बीजेपी अपने हिसाब से जमावट करेगी और इसीलिए बीजेपी मुखर होकर सामने आ रही है। बिल्कुल ब्रजेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, नजर बना के रखेगा इस खबर पर।